यूपी में एक बार फिर खाकी वर्दी धारी सिपाहियों ने महकमे के साफ होती छवि को धूमिल कर दिया है। मामला कौशाम्बी जिले की पुलिस लाइन से जुड़ा है। नशे में धुत दो सिपाहियों ने जमकर हंगामा काटा है। पुलिस लाइन सूत्रों के मुताबिक दशरथ और राजेंद्र परिहार नाम के इन दोनों सिपाहियों ने अपने बैरक में शराब पीने के बाद एक दूसरे से मारपीट करने लगे। हंगामा और तेज आवाज सुन साथी सिपाहियों ने पुलिस लाइन के प्रभारी निरीक्षक को सिपाहियों के कारनामे की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे आरआई ने दोनों सिपाहियों को पुलिस कर्मियों की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। नशे में धुत पुलिस के दोनों जवानों ने डॉक्टर के सामने भी खूब हंगामा किया। नशे में धुत होने के बाद भी उन्होंने पुलिस लाइन में प्रभारी निरीक्षक के कारनामों की पोल खोलने का दावा करते रहे। नशे में टल्ली सिपाहियों का मेडिकल करने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अरुण पटेल के मुताबिक डॉक्टरी मुआयना करने के बाद जानकारी मिली है कि दशरथ और राजेंद्र नाम ने दोनों सिपाहियों ने शराब पी रखी है। दोनों के बॉडी में एल्कोहल की मात्रा मिली है। एक सिपाही होश में नहीं है। सर, ये दो सिपाहियों का मेडिकल कराया गया है, क्या पूरा मामला और उसमें क्या निकल के आया है सर? पुलिस लाइन से आरआई श्री देवेंद्र कुमार जी ने दो सिपाहियों को लाया और ये दोनों क्रॉनिक ड्रिंकर बताए जाते हैं। अभी हमने मुआयना किया तो इसमें अल्कोहल की अभी भी आ रही है और दोनों ही अनकॉपरेटिव, एक तो सेमी कॉन्शियस है। किस पद पर हैं ये, क्या नाम है इनका? ये दोनों सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं। नाम बता सकते हैं क्या? नाम इनका एक का दशरथ सिंह है और एक का राजेंद्र सिंह परिहार। अल्कोहल पाया गया? जी, अल्कोहल की स्मेल पाई गई है और दोनों एक तो सेमी अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, एक अनकॉपरेटिव है।